हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और धमाकेदार जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। दो तरह के पोस्ट रहेंगे फ्रेंड्स, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की एक पोस्ट है जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो चलिए अभी इसके बारे में बाकी के डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, दो पोस्ट है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी मंत्रालय के लिए रहेगा, 1283 सीट्स यानी 1283 सीट उसके लिए रहेगा। ASI स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए आपका 243 यानी 243 सीट आपका ASI स्टेनो का रहेगा। ओवरऑल दोनों पोस्ट को कंबाइन करके देखें तो 1526 यानी 1526 पोस्ट रहने वाला है। इसके लिए अप्लाई का जो डेट है ना, 9 जून से स्टार्ट होने वाला है और 8 जुलाई इसका लास्ट डेट रहेगा। फ्रेंड्स देखिए, इसको लेके शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया, तो वो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस मैंने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड करके कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना सीट है सब कुछ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो आपको मिलेगा टेलीग्राम पे और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके लिए जो फॉर्म फी रहने वाला है ना, जनरल OBC और EWS से 200 यानी 200 रुपया लिया जाएगा, और अगर आप SC ST कैंडिडेट है या फिर एक सर्विसमैन है तो आपका फी माफ है, आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। अब देख लेते हैं एज की लिमिट क्या होगा। 18 to 25 यानी 18 से 25 वर्ष उम्र सीमा है। रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट में, OBC को 3 इयर्स का और SC ST को मिलता है 5 इयर्स का। तो ये तो आपका हो गया नॉर्मल सा कि कब से कब तक अप्लाई होगा, फॉर्म फी क्या है, एज लिमिट। लेकिन क्वालिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी भी जो नया जॉब आता है उसके लिए बच्चे सोचते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होगा। देखिए, इसके लिए 12th पास आउट सभी कैंडिडेट, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने आर्ट्स लिया है, साइंस लिया है या फिर कॉमर्स, आप 12वीं पास कर चुके हैं, कुछ भी परसेंटेज है, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हेड कांस्टेबल मंत्रालय के लिए है और साथ ही साथ स्टेनो की पोस्ट है, तो इसके लिए आपको टाइपिंग या फिर स्टेनो का नॉलेज होना चाहिए। और इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि इसका फिजिकल ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ PST यानी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बेसिस पर ही होगा, कोई रनिंग नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। तो ये आपका हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस अब समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 स्टेज आपका है, 2 स्टेज काफी सिंपल है, या यूं कह ले कि 3 स्टेज बहुत ही सिंपल है। पहले स्टेज पर आपका रिटन यानी लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी, उसके बाद आपका फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड टेस्ट होगा कि शारीरिक मापदंड क्या है, हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, तो ये तो एकदम आसान हुआ। उसके बाद पोस्ट वाइज आपका टाइपिंग या फिर स्टेनो का टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट। फिर DV यानी डॉक्यूमेंट आपके जांच किए जाएंगे कि सारा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। फिर लास्टली सिंपल सा मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको पहले ही बता दिया है कि ऑफलाइन एग्जाम होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है। परीक्षा आपकी 2 आवर्स यानी 2 घंटे की होगी और निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। अब अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो 5 सब्जेक्ट से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल है उसका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स, कलर्कियल एप्टीट्यूड से भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, एंड लास्टली जैसा कि आपको पता है कि इसमें टाइपिंग और स्टेनो भी इंक्लूडेड है, तो आपको बेसिक कंप्यूटर से ना 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। सो दिस इज योर ओवरऑल एग्जाम पैटर्न, जिसको क्वालिफाई करोगे आप तो क्या होगा, PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो चलिए उसको बता देती हूँ।
देखिए दोनों ही पोस्ट के लिए सारा कुछ सेम रहेगा, तो मेल फीमेल दोनों के लिए बता देती हूँ। हाइट की जो रिक्वायरमेंट है फॉर मेल 165 यानी 165 सेंटीमीटर कम से कम आपका होना चाहिए, फीमेल्स के लिए 155 यानी 155 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट 77 to 82 यानी 77 से लेके 82 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक्सपेंशन आपसे खोजा गया है। तो जब PST क्वालिफाइड हो जाओगे तो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपकी जो टाइपिंग की टेस्ट होती है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अगर हिंदी का आप जानते हो टाइपिंग तो कम से कम स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, और इंग्लिश का जानते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। और इसके बाद DVN मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसका एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में आपके जो नियर बाई सिटी होंगे वहीं पर होंगे, और जो जॉब की लोकेशन है वो आपको BSF के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे एलोकेट किया जा सकता है। सर्विस के दौरान सैलरी क्या मिलेगी, आइए दोनों पोस्ट के लिए बता देती हूँ। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए 29,200 यानी 29,200 से शुरुआत होती है। आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस पर ईयर जब आपकी सैलरी बढ़ती है 92,300 रुपीज आपकी सैलरी हो जाती है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए 25,500 यानी 25,500 रुपये से शुरुआत होती है। लास्टली आपको 81,100 मतलब 81,100 रुपये सैलरी होती है। तो आशा करती हूँ कि इस पोस्ट के बारे में आप सारा कुछ डिटेल में समझ गए होंगे। अब भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम से ऑफिशियल जो नोटिस आया डाउनलोड करके थॉरो आउट देख लो आप। अगर फिर भी आपका कुछ क्वेरी बच गया हो तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।